नमस्कार। कहते हैं कि सागर जिले का देवरी, देवरी में दहकते अंगारों से निकलते हैं लोग। यह कहावत सही है। 10 दिन तक चलने वाला यह खंडेराव का यह पवित्र स्थान, जहां पर लोग जो है अंगारों से निकलते हैं। कहा जाता है कि 10 दिन तक चलने वाला यह मेला, जिसमें कहा जाता है कि प्राचीन समय में राजा की लड़का बीमार हो गया था, जिसके चलते हुए उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी। और यहाँ पर जो है वरदान मिला था कि सवा मन लकड़ी डालकर अंगारे दहकते हुए और हल्दी का उपयोग करते हुए आप निकलेंगे तो आपको सफलता मिलेगी और आपका लड़का ठीक हो जाएगा। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। पीले वस्त्र धारण करती हैं महिलाएं और पुरुष भी जो है उनके साथ में रहते हैं और अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए यह मनोरथ जो है यहाँ पर दहकते अंगारों के साथ में सिद्ध होता है। और लोग जब अंगारों से निकलते हैं तो यहाँ पर कोई भी प्रकार से अंगारों का कोई भी चलन भी नहीं होती है पैरों में। यह प्राचीन कार्तली परंपरा लगातार देवरी के खंडेराव मंदिर में अभी भी चल रही है। आप देखिए, तुम तक न्यूज पर हम दिखा रहे हैं खंडेराव की इस मेला में, जहाँ भव्यता से लोग पहुँचते हैं और सैकड़ों वर्ष से यह परंपरा चली आ रही है, जहाँ महिलाएं पूजा अर्चना भी करती हैं, साथ में उनकी मनोकामना और मनोरथ भी सफल होते हैं, जिसके चलते हुए यह मध्य प्रदेश का सागर जिला और देवरी का यह खंडेराव का प्रसिद्ध अंगारों का यह मेला आज प्रसिद्ध है, जहाँ लोग जो है अपनी मनोकामना और मनोरथ पूर्ण होने पर अंगारों से निकलते हैं। यहाँ पर व्यवस्थापक व्यवस्था करते हैं और यहाँ पर जो है खंडेराव सरकार के दरबार में जो है यह मेला लगाया जाता है। यहाँ सैकड़ों की संख्या से लेकर हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहते हैं। तुम तक न्यूज की यह विशेष रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं देवरी के खंडेराव सरकार के दरबार से। आप देखिए तुम तक न्यूज पर विशेष।